हमास और इजराइल के बीच वायलेंस फिर से हुआ शुरू। कल ही हुआ था हमले रोकने के लिए दोनों के बीच समझौता। नमस्कार, मैं आदित्य चौधरी और आप देख रहे हैं सरस न्यूज बियॉन्ड द स्क्वायर। फाइनली 11 दिनों के इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद इजराइल और हमास के बीच अब युद्ध विराम लग चुका था। बट सवाल अब यहाँ ये उठ रहा था कि जीत किसकी हुई है, इजराइल की हुई है या हमास की हुई है, क्योंकि जीत का वादा दोनों कर रहे हैं। अब हम इसके पीछे आपको दो तीन आंकड़े बताते हैं। कुछ दिन पहले जो गाजा पट्टी और इसराइल के बीच जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें 220 फिलिस्तीनियन मारे गए थे जिसमें 65 बच्चे थे। अब इसराइल यहाँ ये क्लेम कर रहा है कि रॉकेट फायर जो फिलिस्तीन द्वारा या हमास द्वारा जो हमारे तरफ भेजे गए थे उसमें 12 इसराइल नेशनल मारे गए थे जिसमें कि 2 बच्चे थे। अब 20 मई के जो अटैक हुई थी उसमें 2000 के आसपास फिलिस्तीनियन मारे गए थे, और अगर गाजा पट्टी की पूरी आबादी देखी जाए तो ये 20 लाख के करीब है और इसमें से 75,000 फिलिस्तीनियन डिस्प्लेस हो चुके हैं। देखा जा रहा है कि पूरे कॉन्फ्लिक्ट में गाजा पट्टी की पॉपुलेशन काफी कम कर दी है इसराइल ने। अब हमास ने सीज फायर रोकने के लिए दो शर्तें रखी थी, इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए दो शर्तें रखी थी। पहली शर्त तो ये रखी थी कि इसराइल को लिखित में रिटर्न में देना होगा कि वो अल अस्का मॉस्क्यू में बिना इजाजत के नहीं जाएंगे, अपनी पुलिस फोर्स को वहां नहीं भेजेंगे। दूसरी शर्त ये है कि शेख जहां नेबरहुड जो कि जेरूसलम के पास एक छोटी सी जगह है वहां पे जो फिलिस्तीनियन रह रहे हैं वो वहां से नहीं हटाए जाएंगे, यहां पे इसराइल कोई एक्शन नहीं लेगा। बट इसराइल तो भाई इसराइल है, उसने एक भी बात हमास की नहीं मानी और अपनी सारी बातें मनवा ली, उसकी एक भी बात एक्सेप्ट नहीं की। उसने ये इसराइल ने ये कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी फोर्स अल अस्का मॉस्क्यू में भी जाएगी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और ये जो शेख जहां नेबरहुड है यहां पे इसराइल की लोगों का ही बसेरा होगा, यहां पे फिलिस्तीनियों को हटाया जाएगा। तो पूरा ओवरऑल बात यह आती है कि इसराइल ने एक भी बात नहीं मानी और अपनी सारी बातें मनवा ली। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसराइल ने काफी हैमी डैमेज किया है फिलिस्तीनियों का। अब सीज फायर में ऑफिशियल साइन हो चुकी थी ऑलमोस्ट हो चुकने के सिर्फ 2 या 3 घंटे बाद, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे बाद अल अस्का मॉस्क्यू में इसराइल के पुलिस फोर्स फिर से गई और हैवी सीज फायर हैवी डैमेज कर रही है। पास्ट में अगर पास्ट में आपको याद होगा तो हमास ने जो रॉकेट फायर किया था वो अल अस्का मॉस्क्यू के वायलेंस के बाद ही किया था। अब डर यहां इस बात का है कि क्या फिर से एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है बिटवीन इसराइल एंड हमास। सीज फायर होने के बाद पॉसिबिलिटी अब ये भी बढ़ गई है कि वेस्ट बैंक में जो लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, फिलिस्तीन जो रह रहे हैं उनको काफी गुस्सा है इसराइल की इन हरकतों से, तो क्या वो भी अटैक कर सकते हैं इसराइल पे? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रिलीजन जो है, धर्म जो है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, ये किसी भी बड़े वॉर को भी जन्म दे सकती है। तो इसराइल का जो स्पोकमैन है, जो पुलिस फोर्स का जो स्पोकमैन है, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे मस्जिद के बाहर। सीज फायर ऑफिसियल साइन होने के कुछ घंटे बाद कुछ नौजवान मस्जिद के अंदर जाते हैं हमारे पुलिस फोर्स को उकसाते हुए, या फिर अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद पेट्रोल पंप और पथराव शुरू कर देते हैं हमारे पुलिस फोर्स पर। तो हम बस अपना काम कर रहे थे, उन्होंने हम पर अटैक किया तो हमने मजबूरी में उनको रीअटैक किया, उन पे हमला किया। अब फिलिस्तीनियों के साइड से ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ लोग ऐसा भी कर रहे थे तो जो नॉर्मल लोग सिर्फ वहां प्रेयर करने के लिए आए थे उन लोगों को आपने क्यों रेस्क्यू किया, या फिर उन लोगों को आपने क्यों लाठी चार्ज किया उन लोगों पे, उन लोगों को क्यों धक्का दिया जिसमें 20 लोग भी घायल हो चुके हैं। अब यहां सबसे बड़ी पिक्चर ये आ रही है कि क्या अल अस्का मॉस्क्यू पर जो वायलेंस हो चुका है अब फिर से इसराइल के खिलाफ आ सकता है क्या हमास? अगर आएगा तो क्या होगा? अब यहां पर लास्ट पिक्चर यहां ये आ रही है कि अल अस्का मॉस्क्यू में जो ये वायलेंस हो चुका है अब इसमें क्या इसराइल के खिलाफ आ सकता है हमास? आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।